दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। जैसे कि आप सभी को समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हो चुका होगा कि नगर निगम में अस्थायी कर्मचारी 150 को हटा दिया गया है, जबकि पूरा अजमेर कोरोना योद्धा के रूप में सफाई कर्मचारियों का स्वागत कर रहा है, जगह जगह सम्मान कर रहा है। उसी क्रम में नगर निगम ने अपनी हठधर्मिता के कारण उन सभी गरीब परिवारों 150 परिवारों को आज अपनी नौकरी से निकाल दिया। वो 150 परिवारों को ही नहीं निकाला, जबकि उनके पीछे जीने वाले उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके परिवार को नगर निगम ने उनके पेट पर लात मारी है। मेरा नगर निगम प्रशासन को इस ज्ञापन के मार्फत ये निवेदन है कि वो सभी 150 कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति देकर उनके भरण पोषण का ध्यान रखें। इन कोरोना योद्धाओं के लिए अपने आश्वासन के मार्फत उनको नौकरी पर रखा जाए। साथ ही हमने निगम में पिछले 4-5 महीनों से हमने यह मांग करी भी है कि 3 संतानों का जो मुद्दा है वो नगर निगम आज भी उन 3 संतानों को लेने में कहीं ना कहीं आनाकानी कर रहा है, जबकि पूरे राजस्थान लेवल पर कहीं क्या पुष्कर, केकड़ी, विजयनगर में 3 संतानों वाले जो केस के मामले थे उन्हें में ज्वाइनिंग दे दी गई है। आज मेरे साथ में ये स्थायी कर्मचारी ग्रुप में मौजूद 3 संतान वाले प्रार्थी मौजूद हैं, इन्हें आज तक भी नगर निगम अजमेर ने ज्वाइनिंग नहीं दी है। मेरा अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के द्वारा मैं अनिल गोयर ये निवेदन करता हूँ कि आप शीघ्र इनको नियुक्ति देकर वाल्मीकि समाज को अनुग्रहण करें, अपना अमूल्य योगदान दें। सर 150 कर्मचारी को क्यों निकाला? जैसा कि आप सभी जानते हैं अजमेर में ठेका पद्धति काम चल ही रहा है। इन ठेका पद्धति में लोगों को अपने लालच के लिए रखा जाता है, और जब भी जो स्वच्छता सैनिक का जो अभियान था उन स्वच्छता सैनिक अभियान के तहत इन कर्मचारियों को ले लिया गया था। आज जब वो अभियान में इनकी सैलरी नहीं आ रही है तो उन परिवारों को आज नगर निगम ने हटा दिया। आपको 150 कर्मचारियों को नहीं वापस रखे तो आप आगे क्या करोगे? निश्चित रूप से अगर 150 कर्मचारियों को पेट भरण पोषण की दिक्कत आएगी तो निश्चित ही अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस विशाल स्तर पर धरना प्रदर्शन देगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। अनिल गोयर, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस।